हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, क्या चल रहा है बिग बॉस ओटीटी के हाउस में? फिलहाल तो आज वीकेंड का वार है और सभी जानना चाहते हैं कि कौन होने वाला है घर से बाहर, क्योंकि इस बार जो नॉमिनेट हैं वो लोगों के फेवरेट हैं। जी हाँ, जनता का प्यार उन्हें मिल रहा है, तो ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि भाई कौन घर से बाहर हो रहा है, क्योंकि बिग बॉस का कोई भरोसा नहीं है। उन्हें अपने चहेते लोग रखने होते हैं, चाहे वोटिंग किसी के भी खिलाफ हो रही हो, किसी को कितने ही ज़्यादा वोट मिल रहे हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो उनके मुद्दे में फिट बैठेगा वो उसे रखेंगे, जो उनके मुद्दों में फिट नहीं बैठेगा वो उसे निकाल देंगे। फिलहाल जो सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात है वो ये है, आशिका और मनीषा दोनों में ये बना हुआ है कि भाई कौन जाने वाला है दोनों में से। अभी तक यही कयास लगाए जा रहे थे कि मनीषा को ज़्यादा वोट मिल जाएंगे आशिका से तो आशिका चली जाएंगी, ग्रुप टूट जाएगा। ये जो एल्विश, अभिषेक, आशिका और मनीषा का ग्रुप है, इसे लोगों का अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। मतलब ये लोग ऐसे हैं ना, इनको गॉसिपिंग करनी होती है या तो ये आपस में ही मस्ती कर रहे होते हैं, और एल्विश का तो ये है सबसे ज़्यादा वो बिग बॉस को ही रोस्ट कर रहा होता है। जी हाँ, मोस्टली टाइम वो बिग बॉस का ही मजाक बना रहा होता है। और देखिए कैसी बात है, बिग बॉस उस क्लिप को दिखा भी रहे होते हैं। मतलब अपनी ही दोगलापंती जो एल्विश खोल रहा है सबके सामने, पब्लिक के सामने लाना चाह रहा है, वो उस क्लिप को दिखाते भी हैं। फिलहाल गुड न्यूज़ तो ये है कि आशिका सेफ है। जी हाँ, इस ग्रुप की आशिका अब सेफ है, वो तो इविक्ट नहीं हो रही है। अब ऐसे में लोगों का मानना है कि कहीं मनीषा जा रही हैं, क्योंकि गाइस इन लोगों को क्या करना है, अभिषा, अभिषेक और जिया की जो जोड़ी है उसको आगे ले जाना है। वही नैरेटिव सेट कर रखा है इन लोगों ने, जबकि जो ऑडियंस है उन्हें अभिषेक और मनीषा की जोड़ी ज़्यादा पसंद है। और फिलहाल जियो सिनेमा ने एक पोल डाल रखा है, उसे भी मनीषा लीड कर रही हैं, जीत रही हैं, जिया से 80% वोटों से आगे हैं वो। तो ऐसे में देखना होगा क्या बिग बॉस रिस्क लेंगे मनीषा को निकालने का, या फिर नो इविक्शन हो जाएगा, क्योंकि आशिका सेफ है अभी के लिए। कोई और एक्सक्लूसिव अपडेट होगी आप सभी के लिए तो ज़रूर लेके आऊँगी। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।